फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और घर पे होंगे। बाहर आई हूँ मैं, धूप बहुत अच्छी खास। सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय चैनल ओम साई राम सौम्या। और मैं इधर उधर कहाँ घूम रही हूँ, मुझे फ्रिज साफ करना है। अब हाथ जैसा भी है लेकिन काम बहुत दिन तक रोक नहीं सकते क्योंकि ये हाथ बहुत दिन बाद ठीक होगा। तो देखिए, फ्रिज की हालत जो है ना बहुत गंदी वाली हो रखी है क्योंकि इनसे कितना कुछ होगा। और थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है मुझे, तो मैं फ्रिज को सोच रही हूँ साफ़ कर लूँ। देखिए कितनी गंदी सी हुई है। और तो आज मैं सोच रही फ्रिज की क्लीनिंग कर दूँ। और ये देखिए, सब्जी वाला निकाल के मैंने बाहर रख रखा है और मुझे अभी टांगना है हाथ को अपना पट्टी के साथ। और ये निकाल दिया है मलाई और इसके निकाल लिया मुझे घी। तो चलिए पहले इसका काम कर लेते हैं क्योंकि बिना घी का ना मेरी बेटी रोटी खाती नहीं। तो घी को मक्खन मक्खन बना के भी निकाल सकते हैं, मतलब मक्खन उसका निकाल के मिक्सी में करके या फिर ऐसे ही। तो उतना करने के लिए मेरे हाथ में ये जो है ताकत नहीं है अभी, तो उतना नहीं करूँगी मैं। डायरेक्ट कढ़ाई में डालूँगी मलाई को। ये देखिए इतना सारा मलाई है, तो उतना चलिए डाल देते हैं इसमें। और ये बहुत भारी है मेरे इस हाथ के लिए, मैं इतना नहीं उठा सकती हूँ। तो ये निकाल दिया मैंने घी, घी नहीं मलाई, तो इसे घी निकाल देते हैं। इसे छोड़ देंगे आराम आराम से धीमी आंच पे, ये होते रहेगा। और इसका जो बचा हुआ था उसका मिठाई बनाते, लेकिन इस बार नहीं बनाऊंगी अब। तो चलिए इसको इसके काम पे छोड़ देते हैं और हम लोग अपना काम करते हैं। और कभी लाइट होती है कभी और पता नहीं अभी क्या बनाएंगे खाने पीने के लिए, नहीं मालूम। मैंने ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया है तो अभी नहीं मालूम क्या बनाऊंगी खाने पीने के लिए। और ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया है अभी, थोड़ी देर में करते हैं। बच्चे सोए हुए हैं और स्कूल क्या बंद है, बच्चों को बड़ा बल्ले बल्ले हो गई है। मतलब एग्ज़ाम तो देना ही है ना, हम लोग को तो करवाना ही पड़ता है, लेकिन सोने पढ़ने के लिए बहुत आराम हो गया है। तो चलिए घी को निकलने देते हैं, निकल जाना अच्छे से ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती मैं इसके ऊपर, तो छोड़ देते हैं इसे इसके हाल पे, जो मन वो करेगा ये, है ना। ये मुड़ता नहीं है, मुझे ऐसे ही पकड़ना ना पता, ये बिल्कुल नहीं मुड़ता। तो चलिए फ्रिज क्लीन कर लेते हैं तब तक। ये देखिए मलाई जो है पे फैलनी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे अपने आप इसमें से घी निकलेगा। और इधर मैं फ्रिज की तरफ आ गई, फ्रिज बहुत जाम हो गया है। देखिए सब कुछ रखा हुआ है, सब अस्त व्यस्त है फ्रिज के अंदर, तो सफाई करनी है मुझे। चलिए सफाई कर लेते हैं और ध्यान से सफाई करनी चाहिए क्योंकि एक हाथ में थोड़ा चोट है, तो चोट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है। तो चलिए सफाई कर लेते हैं, वो सब तो लगा रहेगा ना, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते बहुत दिनों तक। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं फ्रिज को। इस समय तक अंकित भी उठ गया था, जग गया है और नाश्ता वगैरह उसने कर लिया है। और वो टी शर्ट नहीं पहनता है क्योंकि उसे गर्मी होती है, तो बोला मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं। मेरी मदद करने के लिए आ गया, बोला मम्मी मैं अभी मदद करूँगा, तो बोली चलो ठीक है कर लो। तो मैं फ्रिज में से जितने भी सब सामान होता है निकाल के मैंने कहा बाहर रख दो, धुलना होगा। तो बाकी खाने पीने के जो सामान है वो मैंने डाइनिंग टेबल पर सब वहीं पर रख दिया है। और फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं, पहले मैं सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी ताकि सूखी हुई जो गंदगी है वो पहले झड़ जाए, साफ़ हो जाए, और उसके बाद फिर से
पानी में थोड़ा सा शैम्पू या फिर हैंड वॉश कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं आज हैंड वॉश डाल रही हूँ और उसमें एक ढक्कन सिरका डालूँगी। इससे साफ़ हो जाता है फ्रिज, बहुत अच्छा हो जाता है, स्मेल वगैरह भी नहीं आती। ऐसे फ्रिज में आधा नींबू रखने से भी स्मेल नहीं आती। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं। देखिए जब तक मैं फ्रिज को साफ़ करती हूँ तब तक घी भी निकल गया, और इधर देखिए फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया है। अब बस इसे सेट करना है। तो चलिए देखिए सेट भी हो गया हमारा फ्रिज। ये देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैंने दिखाया था पहले कितना गंदा सा लग रहा था फ्रिज, कचरा की तरह। अभी देखिए सारे चीज़ साफ़ हो गया, और नेल पॉलिश वगैरह मैं इसी में रखती हूँ। ये देखिए सब क्लीन है। बाबू कुछ कुछ कर रही है इसमें, निकाल रही है इसे कोई सामान शायद। तो ये देखिए कैंडल्स हैं कुछ बर्थडे वाले, तो मैं इसी में रख देती हूँ, कभी कभी काम आ जाता है ये छोटे छोटे कैंडल्स जो है। तो फ्रिज मेरा क्लीन हो गया है। तो ये देखिए कितना तेज का बारिश हो रही है, दोपहर का समय है। लंच हमारा बन गया, चावल दाल और आलू बोरों की सब्जी, और मैं बनाऊंगी आज पकौड़ी प्याज वाली, क्योंकि बरसात होती है तो प्याज वाली पकौड़ियाँ जो है ना अच्छी लगती है खाने में। आई थिंक सभी को अच्छी लगती होंगी खाने में। तो बाबू बातें कर रही है कि पानी बहुत बरस रहा है बाहर, नदी नदी बन गया है और खेल रही है। लेकिन पानी तो बरस गया, दिन मौसम ठंडा कर दिया है, लेकिन कपड़े जो है वो सूखने के लिए दिक्कत हो जाते हैं, घर में डालने होते हैं। तो मशीन में तो कपड़ा आधे सूख ही जाते हैं, लेकिन फिर भी धूप लग जाता है कपड़ों में तो अच्छा रहता है। देखिए कितने सारे कपड़े जो है ना मैंने रूम में डाल रखे हैं, और डोरमेट वगैरह भी धुले हैं, वो भी नीचे डला हुआ है, वैसे ही सूख जाएंगे वो पंखे की हवा में। बनाने वाले पकौड़ी, बरसात है देते जाइए। तो बरसात हो और पकौड़ी नहीं बनाई तो मज़ा नहीं आता है ना। तो प्याज की पकौड़ी बना रहे हैं हम लोग, दाल चावल और आलू बोरो बरबट्टी जो होता है उसकी सब्जी बनाए हैं, इसके साथ पकौड़ी बना ले रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी अधिक डल गया है, तो मैं वापस फिर से थोड़ा सा बेसन मिला लूँगी इसमें, और बहुत अच्छा लगता है ना, पानी पानी बरसते रहता है, उसके बाद पकौड़ी साथ में खाइए तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पकौड़ियाँ जो है ना बहुत टेस्टी लगती है खाने में, चाहे वो खाना में खाइए लंच में या फिर चाय के साथ खाइए। तो बना ले रहे हैं, और थोड़ा सा जो बचेगा ना इसमें का बैटर, तो उसमें मैं एक भिंडी पतला पतला काट के डाल दूंगी, वो भी अच्छा लगता है पकौड़ी इस तरह से भी खा लेने में। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तैयार है निकाल लेते हैं।
थोड़ा सा मैंने इसमें भिंडी काटा हुआ है, इसे ये बना लेते हैं। और सबसे आखिर में ये मिर्ची, आप सोच रहे हैं पकौड़ी और चाय बन रहा नहीं है, शाम की चाय है और पकौड़ी बन के बना था खाने के साथ। और अभी देखिए शाम सारा पानी है, बनाएंगे भी थोड़ा सा। मौसम बहुत अच्छा कर दिया ऐसे में, बहुत गर्मी थी लोग को ना, सूजी का हलवा बहुत पसंद हो गया, थोड़ा ठंडा तो आ गया, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। यहाँ पे बनाएंगे हम लोग सूजी वाला, देखिए पानी खूब अच्छा पानी बरस रहा है। फिर वॉइस ओवर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सॉरी, ये दूसरी बार मैं ठीक कर रही हूँ वीडियो को, फिर भी अब नहीं होता है कितनी बार ठीक करूँ, एडिटिंग में प्रॉब्लम चल रही है इसमें कुछ ना कुछ। तो हलवा के लिए इसमें मैंने घी डाल दिया है, पहले रिफाइन में इसे फ्राई किया हलवा को, और इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच घी मैंने डाला, ज़्यादा घी बच्चे नहीं खाते हैं, इसका महक आ जाता है। तो चीनी, और फिर इसमें ड्राई फ्रूट डाला है मैंने, थोड़ा सा डाला है इलायची पाउडर, और ये ऑलमोस्ट पक गया, इससे ज़्यादा पकाने में कलर जो है ना इसका अच्छा नहीं लगता है। तो ये हल्का पिंकिश कलर का है, ये बिल्कुल अच्छे से पक गया, धीमी आंच पे मैंने पकाया इसे। इसमें डाल देते हैं दूध, और दूध में मलाई सहित ले रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खा के देखिएगा इस एक बार। और अगर रिफाइन वगैरह घी वगैरह थोड़ा सा अधिक खाते हैं तो इसमें आराम से घी डालिए, थोड़ा सा और अधिक करके, हम लोग नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा घी तेल, तो फिर उतना पसंद नहीं है, तो इतना काफ़ी है हमारे लिए। और जो मलाई है इसमें से भी घी निकलेगी ही निकलेगी, तो डाल देते हैं, इसे पकाना है खूब अच्छे से। इसमें आँच मैंने तेज कर दिया, गैस का फ्लेम जो है वो तेज कर दिया, क्योंकि ये पक चुकी है, सारा चीज़ पका हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से हलवा तैयार है हमारा। तो ये देखिए गरम गरम प्याज की पकौड़ी बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए आप भी खा लीजिए, बहुत क्रिस्पी है। मैंने इसमें कुछ भी चावल का आटा या फिर सूजी वगैरह कुछ नहीं लगाया, बहुत क्रिस्पी। और ये देखिए सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है, मैंने ऐसे ही बना चाय नाश्ता शाम का हो गया, बाबू सब हलवा वगैरह सब खा लिए हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, रखिएगा अपना पूरा ख्याल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम सबका भला करेंगे, सो बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब।